बांका जिले के कोलीबेड़ा क्षेत्र में वन्य जीव पेंगुलिन की तस्करी करने वाली महिला सहित 5 आरोपियों राजेंद्र राजपूत, देवानंद कालीपर, धनीवर सरहदू राम और उसकी पत्नी दशरी को भानु प्रतापपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वन्य जीव में पेंगुलिन को बरामद किया। बिलासपुर के चक्करभाटा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाइक सवार युवक राजेश मिश्रा मासूम को अकेली पाकर होटल में नाश्ता कराने के बहाने बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिला में पुलिस कर्मियों के भविष्य निधि के खाते से लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार होने वाली महिला एएसआई मधुशीला सूरजपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस में फंड शाखा के पद पर रहते हुए आरोपी महिला एएसआई मधुशीला सूरजपाल ने करीब 59,75,000 रुपए का गबन किया गया था। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में जमीन संबंधित मामले में अपने चाचा को थाने छुड़वाने पहुंचे भिनौनी सरपंच प्रतिनिधि हीरालाल कैवर्त ने उसके चाचा को छोड़ने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगकर थाने में मारपीट करने वाले प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्र को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। बलरामपुर जिले के बरियो चौकी पुलिस ने चौकी क्षेत्र के अंतर्गत तालाब में मिली लाश के मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक को किसी और ने नहीं बल्कि उसके दो दोस्तों ने ही शराब के नशे में हुए विवाद के बाद हत्या कर तालाब में फेंक दिया था। कवर्धा जिले के इंदौरी गांव में 7 दिन से लापता युवती की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृत युवती रानू साहू पिछले 5 दिसंबर से गायब थी, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष आंकी जा रही है। दुर्ग जिले की अंजोरा चौका पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात जब्त कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिलासपुर जिले की सहकारी बैंक के मंडी शाखा में 80 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस में ब्रांच की महिला कैशियर खुशबू शर्मा को इस समय गिरफ्तार किया गया। महिला पर आरोप है कि खाता धारकों के अकाउंट से पैसा जमा करने के बजाय अपने पास रख लेती थी। हेरा फेरी कर यह सिलसिला सालों से चल रहा था। बलौदा बाजार वन मंडल के लवन परिक्षेत्र में 2 वयस्क तेंदुओं की मौत होने से वन विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मामला लवन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 114 के परिसर अल्दा का है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 1 माह पूर्व मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह में रहने वाले 3 दोस्तों का एक्सीडेंट कोरबा के संतरेगा पिकनिक स्पॉट से लौटते हुए पालको थाना क्षेत्र में हो गया। हादसे में 1 दोस्त की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। रायगढ़ के साइबर सेल व जूट मिल थाना पुलिस ने एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ समेत तथा दूसरे राज्यों में टेंडर दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले आरोपी फर्जी वकील को टिकरापारा पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी वकील देवनारायण सिन्हा ने साथी सूरज विश्वकर्मा के साथ मिलकर दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा के लोगों से बड़े टेंडर दिलवाने का लोभ दिया था। आरोपी इनसे करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गया था। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे व्यक्ति को आरक्षक ने मना किया तो हत्या करने की नीयत से
आरक्षक के साथ मारपीट कर कटर से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अनिल देव पांडे को भिलाई 3 के ग्राम जरवाय से भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के कबीरनगर थाना क्षेत्र में रायपुर में पिता की हत्या का बदला लेने एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे युवक को पीट दिया। इसके बाद इसी गाड़ी फूंक दी। इतना ही नहीं, उसके साथ आए लड़कियों को भी जमकर मारा और वो भाग गए। लीज में ट्रक लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रक को खरीदने और बेचने के मामले में अब तक 13 आरोपियों को रायपुर की कंपनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के ट्रक को फाइनेंस करवाने के मामले में भिलाई निवासी आरोपी गणेश राजू को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने गंजपारा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप से पिछले माह पकड़ाई कबाड़ से भरे वाहन सहित पकड़ाए 2 आरोपियों की निशानदेही पर मुस्लिम सराय के पीछे तकियापारा निवासी कबाड़ी नदीम आजमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शासकीय अस्पताल बिलाईगढ़ परिसर में डॉक्टर एवं स्टाफ को गाली गलौज, हंगामा, तोड़फोड़ कर धमकी देकर जमकर उत्पात मचाने वाले आरोपी प्रभात उप बिट्टू सिदार को बिलाईगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेसी सीजे नेता व अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुंगेली पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ऋचा जोगी के खिलाफ हुई FIR में धारा 420 और जोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर ऋचा जोगी ने मुंगेली के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बिलासपुर के नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक मुकेश दुबे का मोबाइल चोरी कर युवकों ने उनके फोन पे से 3 लाख से अधिक की रकम निकाल ली। वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर सोने की चेन खरीद ली। इसकी जानकारी होने पर मैनेजर ने मोबाइल चोरी की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। सिविल लाइन पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से CCTV फुटेज लेकर आरोपी युवकों को भोला कुमार उर्फ टाइगर, नोनिया व गौतम कुमार को पकड़ लिया है। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में सोमवार को देर शाम बो रही और टोर के बीच पल्सर व एक अन्य बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में जीतू दास मानिकपुरी की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरे बलराम पाटले ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 लोग सोनू टंडर और जितेंद्र यादव की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम रेमते में 3 साल पूर्व लव मैरिज करने वाले सुरेश राम ने अपनी पत्नी सुमित्रा बाई के चरित्र पर शंका करते हुए बीती रात शराब पीने के बाद फिर झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेश राम नायक ने गुस्से में पहले हाथ मुक्के से खूब मारा, फिर ईंट से सुमित्रा को तब तक वार किया जब तक जान नहीं निकल गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।